बता दें कि वहां पर अमित बता रहे थे कि इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है जेएनयू मामले को लेकर, और अमित पांडे क्योंकि मीडिया को भी वहां रोका जा रहा है। अमित पांडे, हमारे संवाददाता के साथ भी मारपीट हुई है कुछ ही क्षण पहले। अमित पांडे ने ही बताया था कि वकील वहां पर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और उसको लेकर वकीलों ने मीडिया पर भी मीडिया को भी वहां पर रोका है अंदर जाने से, कवरेज के लिए मीडिया को रोका जा रहा है। वकीलों ने मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट किया, हमारे संवाददाता अमित पांडे के साथ भी मारपीट हुई है। I-7 संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अमित मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी आप ठीक हैं? अमित, आप ठीक हैं? देखिए, यहाँ पर अभी वकील हैं, किसी भी वक्त वकील गेट तोड़ के, आप क्या आवाज मेरी सुन सकती हैं यहाँ पर? बिल्कुल, क्या आप आवाज मेरी सुन सकती हैं अभी? देखिए, अभी भी हम यहाँ पर लाइव दे रहे हैं और किसी भी वक्त ये गेट टूट के आ सकता है, हमें पीटा जा सकता है यहाँ पर। और अभी हम इसके बाद यहाँ पर पिछले 8 से 10 साल से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वकीलों ने यहाँ पर किया, केवल हमारा गुनाह ये था कि हमने वकील ने हमसे आइडेंटिटी पूछी तो हमने वकील से आइडेंटिटी पूछी और उसके बाद हमें यहाँ पर ये पीटा गया, और इतनी बुरी तरह यहाँ पर हमें बुरी तरीके से यहाँ पर पीटा गया। तो और इस तरीके से 3 से 4 जो पत्रकार हैं उनको यहाँ पर पीटा गया, और अब ये हालत है कि यहाँ पर हमें कवरेज से भी यहाँ पर डर लग रहा है। कन्हैया की पेशी है कुछ ही क्षणों बाद। अमित, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, मैंने आपसे पहले भी पूछा, आप अभी फिलहाल ठीक हैं? कितने मीडिया कर्मी हैं जिनको वकीलों ने निशाना बनाया? क्योंकि इससे पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि एक मीडिया कर्मी को वहां पर पीटा गया था और फिर उसके बाद बाकी मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जिसका वकीलों को जिसका मन आ रहा है उसको मार रहा है। हम बेहद शांत तरीके से एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, हाई कोर्ट के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के बावजूद इसके हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें ये अप्रूव अथॉरिटी दी है, जो इनका कस्टोडियन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कस्टोडियन है, कि आप यहाँ पर ये कवरेज करिए। हम यहाँ पर एक्रेडिटेड पत्रकारों के साथ इस तरीके से यहाँ पर है। वकीलों की तादाद थी करीब 15 से 20 यहाँ पर तादाद थी जिन्होंने यहाँ पर पीटा, बुरी तरीके से पीटा। ये तो एक वकील था जो बचा के हमें बाहर ले आया, नहीं तो हालात और बुरे हो सकते। तो बेहद अहम चीज़ है कि ठीक बगल वाली कोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के गवाही का भी बयान चल रहा था। तो भारी तादाद में पुलिस बल थे, पुलिस बल वहां से गायब हो गया, जब हम पिट गए उसके बाद वहां पर पुलिस वाले आए। और अभी भी यहां पर हम अपने चैनल के लिए केवल इसीलिए यहां पर लाइव दे रहे हैं क्योंकि अब ये दरवाजा बंद है, किसी भी वक्त यहां पर वकील आ सकते हैं जो हमें पीट सकते हैं। अमित, हम चाहेंगे आप और हमारे कैमरा पर्सन दोनों अपना ख्याल रखिए ध्यान से, क्योंकि आप हमें वहां से लाइव भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमें बताते भी रहिए क्या कहना है वकीलों का, क्यों इतने आक्रोश में है वो। अमित, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है, शोर हो रहा है, मेरी आवाज शायद ठीक से ना पहुंच रही हो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी वकीलों को, वकीलों का क्या कहना है, क्यों इतने ज्यादा उग्र हो रहे हैं वकील वहां पर? देखिए, यहाँ पर जो वकील हैं वो यहाँ पर वो तो अंदर है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि अब पुलिस इस मामले में कितनी तत्पर है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर करेंगे। अभी यहाँ पर पुलिस शिकायत दर्ज कराएंगे और दिल्ली हाईकोर्ट में कल ही इंटरविनिंग एप्लीकेशन यहाँ पर डालेंगे किस तरीके से वकीलों ने हमारे ऊपर हमला किया। क्या कह रहे हैं वकील अमित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। एनके सिंह, सचिव एनबीए इस वक्त हमारे साथ हैं। एनके सिंह जी, यहाँ पर मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, एक स्तंभ है मीडिया, लेकिन यहाँ पर अपनी आवाज ही नहीं रखने दी जा रही है। और ये ऐसा अभी नहीं हुआ, इससे पहले से करीब 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से वकील वहां पर उग्र हो रहे हैं और बाकायदा रिपोर्टर्स को मना किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है, उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा ही शोचनीय है और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चिंता मीडिया के लिए कोई नहीं हो सकती कि एक इस तरह का वर्ग मीडिया को अपने काम करने से रोके। मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक मोड़ पे देश जा रहा है, लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसे देख के लग रहा है, और मीडिया अपना काम शायद पहले से ज्यादा ईमानदारी और निष्ठा से कर रही है जो इसका दायित्व है, और इसमें यह रोकना बहुत सीधी सी बात है।
जी देश में एक अजीब सा माहौल पैदा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के लिए सरकार को इसमें जो भी बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा हो वो किया जाए, क्योंकि अगर इसको ढिलाई से छोड़ा जाएगा तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा होने जा रहा है। वाकई डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा, अपनी आवाज वहां पर कोई नहीं रख सकता। और वहां पर किस तरीके से पत्रकारों को खदेड़ा गया, सिर्फ एक चैनल नहीं, तमाम पत्रकार, तमाम जो कैमरा पर्सन वहां पर है उनको खदेड़ा गया। हमारे मैनेजिंग डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, मैं चाहूंगा कि अगर अमित पांडे मेरे साथ हैं इस फोन लाइन पर नवजोत और वो हमारी बात सुन सकते हैं, तो मैं अमित से भी बात करना चाहूंगा। और अमित से मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों को, अमित अमित मैं आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए, वकीलों को पत्रकारों से क्या दिक्कत थी, पत्रकारों को उन्होंने क्यों मारने की कोशिश की, मारपीट की उनके साथ? अमित देखिए सुमित हम आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट यहाँ पर हम आपको करना चाहते हैं। आपके आपके भी अंडर हमने करीब 1.5-2 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे पहले भी करीब 5-6 साल से हम कोर्ट रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं, उससे पहले भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये हमें कार्ड दे रखा है, हम ऑथराइज कोर्ट रिपोर्टर हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑथराइज कोर्ट रिपोर्टर हैं। हम अंदर यहाँ पर कोर्ट रिपोर्टिंग करने गए थे, यहाँ पर एक वकील ने हमसे ये पूछा कि आप कहाँ से हो, हमने उल्टा उनसे पूछा आप कहाँ से हो, मुझे बकायदा उन्होंने खींचा। मैं किसी तरह लवलीन की मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गया था, दो पुलिस वाले हमें बचाने आए, लेकिन वापस मुझे खींचा गया और करीब 100-200 थप्पड़ मुझे मारे गए। मुझे अभी पता नहीं कितनी इंटरनल इंजरीज आई हैं, मुझे नहीं मालूम। ये अपने चैनल के आगे मैं केवल एक ये लाइव ये दे रहा हूँ और अभी जाके यहाँ पर हम जो भी आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा रूप हमने वकीलों का नहीं देखा। केवल आपके कपड़ों को देख पा रहा हूँ, ये कपड़े क्या उसी धक्का बुक्की में फटे हैं, आपकी शर्ट आपके बटन्स उसी धक्का बुक्की में फटे हैं? जी बिल्कुल उसी धक्का मुक्की में हमारे ये फटे हैं, और ये शर्ट है हमारा और ये कपड़ा है और ये इंजरीज है हमारी, और इस तरीके का हाल हम जैसे जर्नलिस्ट को के साथ किया जाता है जो जी जान से यहाँ पर शिद्दत पे लगे रहते हैं। और हमारा कसूर केवल इतना था कि अगर वकील ने हमसे हमारी पूछी तो हमने भी, क्या वो वकील थे, क्या आपने उस शख्स को पहले कभी देखा है पटियाला हाउस कोर्ट में? आप तो रोज जाते हैं पटियाला हाउस कोर्ट। वही बिल्कुल बिल्कुल यही चीज सुमित, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज हमने उनसे पूछा कि अगर आप हमसे पूछे भैया आप बताओ कि अगर आप पटियाला हाउस करते हो कौन सा केस आपने रिप्रेजेंट किया बता दो, तो हम भी आपके सीनियर का के सामने उनका नंबर सेव कर ले, हम आगे कॉन्टैक्ट के। इस बस इतना ही कहना था कि 4-5 वकील आए, उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, 2 वकीलों ने मुझे बताया, मुझे बाहर निकाला, बाहर मारना शुरू किया, और उसके बाद इस तरीके की हमारी हालत की है। लिटरली एक अटेम्प्ट टू मर्डर यहाँ पर केस था, करीब 12 लोग थे, उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और उनका चेहरा हूबहू मेरे सामने यहाँ पर। ये घटना सिर्फ आपके साथ हुई, अमित पांडे या और पत्रकारों के साथ भी हुई है जो कोर्ट परिसर में मौजूद थे? और पत्रकारों के साथ भी हुई है, और मुझे नहीं मालूम कि वो पत्रकार, किसी पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया, किसी पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की गई। मेरा कसूर केवल इतना था कि मैंने लॉयर से आइडेंटिटी पूछी और मुझे पीटा जाने लगा। और कितना किस तरीके की हम रिपोर्टिंग हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, डिसिप्लिन रिपोर्टिंग, कोर्ट रिपोर्टिंग, कोर्ट के अंदर लवली की रिपोर्टिंग के अंदर को आपने कोई शिकायत दर्ज कराई अपनी? मैं चाहूंगा कि बार एसोसिएशन के किसी व्यक्ति का भी फोन यहाँ पर लाइव मिलना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर हम देखिए अभी हम यहाँ पर पिट के आए हैं, यहाँ पर अभी सबसे पहले हम पुलिस के सामने जाएंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई है यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे। 1-2 पत्रकार और हैं, हम इनसे जानते हैं, हमारे साथ एक और पत्रकार किस तरीके की घटना हुई थी आप बताइए। आप ही वहाँ कोर्टरूम के अंदर थे और मैं भी थी, हम लोग एक कॉर्नर में खड़े हुए थे, कोई थ्रेट नहीं था क्योंकि स्कफल बाहर हो रहा था, हमने सोचा अंदर खड़ा होना थोड़ा सेफ रहेगा क्योंकि वो पत्रकारों को भी अटैक कर रहे थे। एट वन पॉइंट मैं खड़ी हुई थी और आप खड़े हुए थे और आपको वो बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज मैं कुछ कर नहीं पा रही थी आपको बचाने के लिए, आई वॉज ट्राइंग टू होल्ड यू, एंड जब उन्होंने देखा वो करते हुए उन्होंने हमें भी अटैक करा क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे उनका वीडियो बनाते हुए देख लिया था। वो बार बार यही बोल रहे थे कि फ़ोन दीजिए, आपका वीडियो डिलीट करिए वरना आपको हम मारेंगे, अपना फ़ोन दे दीजिए वरना आपको मारेंगे। तो हमने और आपका कोई
मतलब नहीं बनता यहाँ पर खड़े होने का। तो मैंने उनको बोला कि भाई हम मीडिया से हैं, हमारा मतलब बिल्कुल बनता है, हमें रिपोर्ट करना है फैक्ट्स और आप हमें खड़े होने दें यहाँ पर। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, आप यहाँ बाहर निकालिए। वो पुलिस वालों को बुला के ला रहे थे कि इनको बाहर करिए। इसमें अमित जी मैं आपकी भी सिचुएशन देख सकती हूँ, एंड मे बी आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक दैट टाइम, आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज एक कोना पे हम खड़े हुए थे, हम पीछे नहीं जा सकते, और मेरे अगेंस्ट कुछ 10-15 ऐसे लोग थे जो ऐसी जो गाली भी बक रहे थे, जो आपको इंटिमिडेट कर रहे थे, एंड वो बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन था। मैं सिर्फ इतना पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अनप्रोवोक्ड अटैक था। किसी ने JNU के स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या मीडिया वाले हों, हमने उनके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती ये देखते हुए कि उनकी सिचुएशन हम उनको फॉल्स एलिगेट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हम पर अटैक करा, एंड पुलिस वाले इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं कर रहे थे। कोर्टरूम के अंदर जब ये सब हो रहा है, सबको दिख रहा है, पुलिस वाले सिर्फ हाथ पे हाथ धरे खड़े रहे और उन्होंने कुछ नहीं करा। साफ तौर पर देखिए यहाँ पर ये इनका ये बयान है, हम यहाँ पर एक विक्टिम भी हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो ये हालत है यहाँ पर, और किसी भी वक्त इस गेट को तोड़ के सुमित हमें पीटा जा सकता है। अमित आप रहिए मेरे साथ, दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आलोक मेहता जी हैं और साथ में एनके सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी, आपने पूरी बातचीत सुनी जो कुछ हुआ कोर्ट रूम में पटियाला हाउस में रिपोर्टर्स के साथ, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, क्या इन हालात में निष्पक्ष रिपोर्टिंग हो सकती है? जी सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निष्पक्ष रिपोर्टिंग तो होती है और होती रहेगी, लेकिन इस तरह के दबाव बनाना, ये मतलब न्याय के परिसर में हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, वो हमें संरक्षण दे। हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम पत्रकार कभी नहीं करते हैं, और आपके समाचार जिस ढंग से काम कर रहे थे सिंसियरली, अब उम्मीद ये की जाती है, जबकि वकीलों के आंदोलन होते हैं तो आपके चैनल IBN के सारे चैनल उसको दिखाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, यदि वकीलों के साथ जाती हो, चाहे वो पुलिस जाती करती हो या समाज में कोई अपराधी हो, लेकिन उनके भेष में, कोई वकीलों के भेष में घुस करके, जिसको हम भेष में ही कहेंगे क्योंकि ये तो अदालत का भी काम है और पुलिस प्रशासन का काम है कि वो प्रोटेक्शन दे। अदालत के परिसर में यदि प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो आप बताइए दुनिया में कहाँ मिलेगा। इसलिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है जिस तरह से पत्रकारों पर, अभी एक पहला संवाददाता भी बोल रही थी, आपके संवाददाता ने जितना ब्यौरा दिया, मुझे लगता है एडिटर्स गिल्ड ने अभी हाल में भी मीटिंग की जिसमें अमृत सेन आए थे, उसमें भी ये बात उठी कि टॉलरेंस किस तरह से हो, और ऐसा इसका टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि पत्रकारों को इस तरह से उनके साथ दबाया जाए, कुचला जाए, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाए, उनको कपड़े फाड़ दिए जाए। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके पीछे उनका कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको अपील करना चाहिए कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे, बार निरीक्षण करे, और पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय को इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए कि जहां भी ऐसी कोई समाचार बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं वहां पुलिस को इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए कि वो पत्रकार कोई गैर कानूनी काम कर रहे हों, वो किसी काम में हस्तक्षेप कर रहे हों तो निश्चित रूप से हम उसके लिए दोषी माने जाएंगे, लेकिन यदि वो काम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो रिपोर्टिंग करने गए हैं, उनको पुलिस का प्रोटेक्शन वहीं पर मिलना चाहिए। अलग से कोई सुरक्षा की जरूरत हम नहीं मांगते कि उनको कोई गार्ड दे दीजिए नेताओं की तरह, लेकिन जहां न्यायालय के परिसर में या संसद के परिसर में यदि उन पर कहीं हमला होता है तो ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में किसी लोकतंत्र में नहीं होगा। बिल्कुल, और जहां पर न्याय की मूर्ति रखी हो और जहां पर न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती हो, न्याय मिलने की उम्मीद हो, वहां पर ही अन्याय हो, वहां पर भी जाती हो, रिपोर्टर्स के साथ, पत्रकारों के साथ जो जेन्युइन रिपोर्टिंग कर रहे वहां पहुंचे हुए हैं, वकील ना हो गए, उस वकीलों ने जैसे उनको अपना एक गुंडों का अड्डा बना रखा है, जिस तरीके से सारी कार्रवाई आज की गई पटियाला हाउस कोर्ट में, तमाम पत्रकारों को चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बेहद अभद्रता की गई उनके साथ, उनके साथ फिजिकल हुआ गया, कईयों को मारा गया, कईयों के कपड़े फाड़ दिए गए, न जाने क्यों वकीलों को क्या शिकायत थी। हमारे साथ कमर वहीद नकवी साहब भी जुड़ गए हैं, हमारे एक और वरिष्ठ पत्रकार। नकवी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों ने रिपोर्टर्स पर हमला किया है, उनके साथ मारपीट की है और बहुतों के तो कपड़े भी फाड़ दिए हैं। ये बहुत ही भयानक और शर्मनाक है, और ये बिल्कुल एक प्रकार से जिसको मैं कहता हूँ कि एक फासिस्ट प्रवृत्तियां जो देश में लगातार बढ़ रही हैं, ये उसका पहला निशान है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बताइए, मतलब पहली बात तो किसी भी प्रकार की हिंसा वो निंदनीय है, वो चाहे जिसके विरुद्ध हो, अगर वहां पे वो हिंसा का निशाना दूसरे लोग बने उसकी भी निंदा है, और पत्रकारों पर तो हिंसा करने का कोई कारण ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। पत्रकार किस मामले में पार्टी है इस पूरे मामले में? पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको निशाना बनाना ये तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही भयानक है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ऊपर से दादा एक चीज और भी हुई,
रिपोर्टर से आइडेंटिटी पूछने के लिए कोई भी वकील सामने आ जाता है कि आप कौन है आप बताइए, रिपोर्टर पलट के वकील से अगर पूछ ले भाई आप कौन है आप बताइए अपने बारे में, तो वो हिंसक हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। न जाने किसका गुस्सा क्यों रिपोर्टर्स पर निकाला। ये वो रिपोर्टर्स हैं जो एक्रेडिटेड हैं, जो सालों से पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। अमित पांडे मेरे साथी जो पिटे हैं वहां पर, जिनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिनके कपड़े फाड़ दिए गए, वो पिछले 6 साल से कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी। और सबसे बड़ी बात यह कि बगल वाले कोर्ट रूम में DDCA वाले उसमें एपिसोड में अरुण जेटली जी का मामला चल रहा है, उनकी वहां मौजूदगी है, और उसके बाद भी वित्त मंत्री के रहते पुलिस के रहते पुलिस वहां पर खड़ी तमाशा देखती रही और पत्रकार पिटते रहे। बताइए, ये तो बहुत ही भयानक बात है कि इतनी भारी पुलिस की मौजूदगी में, अरुण जेटली जैसे वित्त मंत्री की मौजूदगी में, न्यायालय के परिसर में वकीलों की इस तरह गुंडागर्दी हो रही है, तो दिल्ली में क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है? दिल्ली में पुलिस का कोई भय रह नहीं गया है? ये वकील है या गुंडे हैं? मेरा सवाल यही है कि ये वकील है या गुंडे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और इस हरकत का जितना ताकत से प्रतिरोध हो सकता है उतनी ताकत से प्रतिरोध हम सबको करना चाहिए। नकवी जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि बार एसोसिएशन को इसमें हरकत में आना चाहिए और जिन जो वकील दिख रहे हैं फुटेज में हिंसक होते हुए उन पर बैन लगाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, वो वकील तो है ही नहीं, वो तो गुंडे हैं, तो उनको वकालत करने का अधिकार कैसे है? तो जितने वकील उस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उतने वकीलों का लाइसेंस तो पे रोक लगनी चाहिए, उनको बाहर से निकाला जाना चाहिए, और हमको ये मांग करनी चाहिए ये वकालत नहीं है, ये गुंडई है, और इस गुंडई का अंत होना चाहिए। बिल्कुल, और IBN 7 की तरफ से हम तो ये भी चाहेंगे न सिर्फ इनकी लाइसेंस रद्द हो बल्कि इन वकीलों पर कानूनी धाराओं में मुकदमा भी चले और इन लोगों को इनको पुलिस की कार्रवाई का भी इनको सामना करना पड़े। ये तस्वीरें बहुत साफ है, इन तस्वीरों में अमित अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट परिसर में कुछ लोग हिंसक हो गए हैं, काले कोट पहने हुए हैं, वकील जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर हरकतें जो है वो कतई भी वकीलों की तरह नहीं है। अमित, और कौन है आपके साथ, क्या किसी और पत्रकार के साथ भी ऐसी घटना घटी है? सुमित हमारे साथ है, ये इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर, बहुत ही इनके अक्षय अक्षय हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स से हैं, और इनके अक्षय आप बताइए, सुमित इनकी मुजबानी सुनिए क्या हुआ था। मेरा एक दोस्त था, हम अंदर बाहर, वो अंदर वो हियरिंग कवर करने आए थे कन्हैया कुमार की, वो लॉयर्स वहाँ पे रकस क्रिएट किए हुए थे, चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, JNU मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे रिपोर्टर दोस्तों को भी मारा गया। जब हम पूछने गए कि क्यों मारा गया, क्यों मार रहे हैं आप उनको, ये पूछने गए तो हमें भी मारना शुरू कर दिया जब हमने बताया कि हम पत्रकार हैं। ये पत्रकारों को देख चुन चुन के वो लोग मार रहे थे, और अभी नारेबाजी अंदर चल रही है मीडिया के खिलाफ, वो कह रहे प्रो टेररिस्ट खबरें चलाते हैं, हम कह रहे थे हम बस प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हमारा ये कोई सुनने को राजी नहीं थे और मारना शुरू कर दिए थे हम सबको। थैंक यू। तो ये हालत है, अब इसी तरीके से कुछ कुछ लोग जो पत्रकार हैं वो सामने आ रहे हैं, पता नहीं कितनों को पता है ये। हम चाहेंगे आप बार एसोसिएशन से भी बात करिए, बार एसोसिएशन के मुखिया को कैमरे पे लाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आप इन जो वकील हैं जो हिंसक हो गए हैं, जो मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, आप उनसे भी बात करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर IBN 7 इन तमाम हिंसक सर अभी निंदा करता, अभी हम जरूर जाएंगे वहां पर, लेकिन करता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बार एसोसिएशन करे, चाहे दिल्ली पुलिस करे, जिसकी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जवान वहां मौजूद थे, उसके बावजूद भी पत्रकारों को रिपोर्टर्स को मारा गया, पीटा गया और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अमित, देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अब इतना खतरनाक रिपोर्टिंग का नज़ारा हमने नहीं देखा, और हम टेररिस्ट नहीं हैं, और अभी हमारे पास जो मोबाइल भी है, हमने चुपके से मैंने अपने दोस्तों के पास दे रखा है, उन्होंने मुझे बताया था, और वो भी आएंगे यहाँ पर, और सीक्वेंस यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन पुलिस अगर उनको आइडेंटिफाई कर पाए ये तो पता नहीं, इस बात की बहुत ही कम संभावना यहाँ पर लगती है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर से मुझे जिस तरीके से खींच के मारा गया पता नहीं। जी नवजोत, आप देख पा रही है कि क्या हुआ, किस हद तक हुआ, ये तस्वीरों को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। इन तस्वीरों में कुछ चेहरे बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं, कुछ लोग मार रहे हैं,
कुछ लोग वकील जो है खड़े तमाशा देख रहे हैं, जो लोग तमाशा देख रहे हैं ये सवाल उनसे भी है कि आपने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्यों एक निरीह आदमी को दो तीन लोग मिलकर जबरदस्ती लात घूसों से मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं और बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। कौन है ये वकील, इनको पहचानना बहुत जरूरी है और बार एसोसिएशन को इन लोगों पर सवाल खड़े करना, इन लोगों के लाइसेंस रद्द करना, इन लोगों से शोकॉज नोटिस देना, इन पर कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी है। नवजोत बिल्कुल, और हम ये इन तस्वीरों में देख रहे हैं काले कपड़े पहने वकील ही हैं जो कि वहां पर एक शख्स जो कि इनमें से शायद कोई पत्रकार ही होगा क्योंकि अमित जिस तरीके से हमें समझा रहे थे बता रहे थे, तमाम पत्रकार अमित के साथ भी मौजूद थे, जिस तरीके से इतनी बुरी तरह से इन्हें पीटा गया, न्याय के मंदिर में अन्याय हो रहा था और ये न्याय के नुमाइंदे जो कि वहां पर मौजूद थे ये मूक दर्शक बने वहां पर देख रहे थे तमाशा। अमित अभी भी क्या वकील वहां मौजूद है? देखिए अभी ये गेट बंद है, किस वक्त वो वकील बाहर आकर हमें मार सकते हैं पता नहीं आए तो वो चले गए होंगे नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पर बाहर हैं कोर्टरूम से बाहर। हमने पूरी चीज़ें IBN 7 के अगर आप फुटेज आप देखें 1 बजे से 3 बजे तक एक भी फुटेज नहीं है कोर्ट प्रीमाइसेस का, और हमें इस बिना पे हमारी पिटाई की गई कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हमने वकील ने हमसे आइडेंटिटी पूछी, हमने कहा कि आप कौन हो, उसी पर वो हमें मारने लगे और लवलीन जो कोर्ट मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट से निकाल कर मुझे पीटा गया और पता नहीं मैंने क्या अपराध किया, मैं तो रिपोर्टिंग करने आया हूँ और वो भी हाईकोर्ट एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ, तब इस तरीके से उन्होंने पीटा, अब क्या कहा जाए पता नहीं। अमित आप बार बार इस बात को अंडरलाइन मत करिए कि क्या होगा, आप इस लाइन को बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि वो दोबारा बाहर आ जाएंगे, अब उनकी हिम्मत नहीं है बाहर आने की, अगर उनकी हिम्मत होती बाहर आके मारने की तो अब तक हड़कंप मचा चुके होते। ये वकील नहीं है, काले कोट में कानून का माखौल उड़ाने वाले गुंडे हैं, ऐसे गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए, निर्भीक होकर अपनी रिपोर्टिंग करते रहिए और सबसे बड़ी बात है अमित कि इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को पहचानिए। आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा, एक मिनट सुमित, एक पत्रकार यहाँ पे पिट रहा है और यहाँ पर अभी ये वित्त मंत्री की गाड़ी है, एक मिनट सुमित आप पहले ये विजुअल्स आप दिखाइए, ये यहाँ पर बाहर निकल रही है पुलिस फोर्स और शायद यहाँ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली है, वो यहाँ पर कुछ देर में बाहर निकलने वाले थे, हमसे अगली ही कोर्ट थी उनकी, ये गाड़ी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुमित अगर आप मेरी आवाज़ सुनने तो रिस्पॉन्ड करिए, यहाँ पर ये गाड़ी है अगर आप देख सकते हैं अरुण जेटली की, ठीक इन्हीं के बगल में मैं पिट रहा था यहाँ पर, हम कोशिश करते हैं इनसे रिएक्शन जानने की क्या होगा, पता नहीं हमें नहीं मालूम। एक मिनट जेटली सर जो विजुअल पिट रहा है ये चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ है, देखिए हमने यहाँ पर उनको नॉक करने की, उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन इस तरीके की हमारी आवाज है, इस तरीके की एक इस तरीके के माहौल में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ अशोक बागड़िया भी इस तक मौजूद है। अशोक क्या हुआ था कोर्ट प्रीमाइसेस में, मुझे बताएगा कि आप मौजूद थे, आपने देखा सब कुछ, कौन लोग थे जो मार रहे थे? देखिए सुमित, ये एक जो लड़ाई है जो कोर्ट रूम के प्रीमाइसेस में हुई वो करीब 1 घंटे पहले 2 बजे के आसपास शुरू हुई, वो ऐसे शुरू हुई कि कुछ JNU के छात्र और JNU के स्टाफ कोर्टरूम में कन्हैया सिंह की हियरिंग के लिए आए हुए थे, उसी दौरान कुछ वकील पटियाला हाउस कोर्ट के आए और उनको वहां से जाने के लिए कहा, तो ये एक ओरल आर्ग्यूमेंट के तौर पे शुरू हुआ और धीरे धीरे ये इसने एक वायलेंट रुख इख्तियार कर लिया और उसके बाद में पहले ये जो इनका गुस्सा था, लॉयर्स का गुस्सा था JNU स्टूडेंट्स के ऊपर, पहले उनको टारगेट किया गया, उनमें से कुछ दो चार लड़के जो आईसा और CCI के थे पहले उनकी पिटाई हुई, उसके बाद में उनका जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कुछ मीडिया पर्सन जो वहाँ पे खड़े हुए थे उनकी पिटाई की और उसके बाद में लास्ट में जब अमित पांडे और हमारे कलीग मीनाक्षी उप्रेती जो कोर्ट रूम के बाहर खड़े हुए थे, जब ये लोग इन सारी चीजों के बाद सेटिस्फाई नहीं हुए उसके बावजूद ये गुस्सा इन्होंने हमारे कलीग्स पे उतारा। इनफैक्ट जो अमित के साथ हुआ उतना ज्यादा तो मीनाक्षी के साथ नहीं हुआ, मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और उनसे उनका फोन छीनने की कोशिश की गई, लेकिन
बात किस्मत अच्छी थी मीनाक्षी की, वो तुरंत वहां से बाहर आ गई। लेकिन जो ज्यादा अहम बात है सुमित की इस पूरे इंसिडेंट की, वो ये है कि जो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे, करीब 100 से 150 दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान थे, मौजूद थे। यहाँ पे एक और हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई चल रही थी जो अरुण जेटली डेफेमेशन केस है। और इन सब के रहते हुए आप ये देखिए कि इतनी जो लॉलेसनेस हुई है, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ एक बाइस्टैंडर के रूप में ये सारी चीज को होते हुए देखती रही और उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की इंटरवीन करने की, चाहे वो मीडिया पर्सन के बिहाफ पे हो या जेएनयू स्टूडेंट्स के पर्सन के बिहाफ पे हो। तो इस तरह से मोटे तौर पर ये लगता है कि एक अंदर ही अंदर कोई साजिश थी कि लॉयर्स को नहीं रोका जाएगा, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बने रहेंगे, जो पिटाई हो रही है वो होते रही जाएगी। लेकिन और इस वक्त भी अभी ये है कि दिल्ली पुलिस जो जेएनयू के और एआईएसए के कार्यकर्ता हैं उनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एक अमीक हैं, ये एक एआईएसए के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी, इनकी भी पिटाई हुई और अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है और उन्होंने इसको उठा के अब पुलिस स्टेशन ले ही जा रही है। तो जहां तक ये पूरे वाकया में जो दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो दैट शुड कम अंडर अ स्कैनर, क्योंकि वो किस तरह से मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। राइट, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की और सिलसिलेवार तरीकों से सामने रखा चीजों को। ये बात समझाने में भी बहुत, दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है अमित, इस बात को समझाना कि वकीलों का गुस्सा जेएनयू के जो छात्र वहां मौजूद थे कन्हैया की हियरिंग के टाइम पे उनके खिलाफ था। वो उन छात्रों को वहां से जाने देना चाहते थे। बात तूतू मैमे से शुरू हुई, मौखिक ओरल आर्ग्यूमेंट से शुरू हुई, जो बात में हिंसक हुई। पहले जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां मौजूद थे, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, जो कन्हैया के सपोर्ट में आए थे, वो वकीलों के गुस्से का हिस्सा बने, क्योंकि इस इलाके में ये वकील बड़ी तादाद में थे, संख्या में, तो उन्होंने डोमिनेट किया उन लोगों को। और फिर जिन पत्रकारों ने जो वहां मौजूद थे, जो रिपोर्टिंग करने मौजूद थे, उनको पकड़ के मारा गया ताकि ये तस्वीरें, ये खबरें बाहर ना आ सके। और इसी उधेड़ बुन में, इसी धरपकड़ में अमित पांडे समेत कई पत्रकारों को वहां पर चोटें आई, उनके साथ मारपीट हुई है। और इस पूरे उसमें सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका पर खड़ा होता है। जब दिल्ली पुलिस के इतने सारे जवान वहां मौजूद थे, कोर्ट परिसर में वित्त मंत्री मौजूद थे, तो कैसे इतनी बड़ी हिंसक घटना हो गई। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हैं, वो मौजूद हैं। शशि जी, कोर्ट परिसर में, पटियाला हाउस में वकीलों ने पत्रकारों को, जेएनयू के छात्रों को अपने गुस्से का, अपने हिंसा का शिकार बनाया है। सुमित, मैं वकीलों की बड़ी इज्जत करता हूं और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अल्टीमेटली मीडिया और न्यायपालिका दो ऐसे हैं जो कि रक्षक का, प्रहरी का काम करते हैं। मुझे ये घटना पूरी तरीके से मालूम नहीं है, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके की मारपीट हर तरफ से होने लगेगी तो लोकतंत्र का क्या होगा। इधर मैं एक बात और ये देख रहा हूँ, मैं इस घटना से अलग हटकर बोलना चाहता हूँ कि मीडिया के साथ बदसलूकी और मीडिया पर तंज कसने की एक नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है जी। ये देश ऐसा देश है जहाँ पर मीडिया आज भी बिना किसी से पैसे लिए उसकी सेवा कर रहा है। अगर आप देखें, मैं चाहता हूँ सुमित कि आप इसको पूरा सुनाएं अपने श्रोताओं को और दर्शकों को जी, कि जहाँ एक कप चाय से कम पैसे में एक अखबार जाता है और ₹1 रोज आपका जो चैनल है वो भी नहीं वसूल करता है, उसके बावजूद इतना सारा खर्चा करने के बाद, इतनी सारी जान जोखिम में देने के बाद मीडिया काम करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया आज भी आईने का काम कर रहा है और इसे तोड़ने की कोशिश कोई भी न करे। थैंक यू शशि जी, आपने अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिलाकर हम ये चाहेंगे कि बार एसोसिएशन हरकत में आए, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे वकील जो हिंसक हो रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, जो खड़े खड़े तमाशबीन हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इन पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, वरना ये देश, जैसा कि अभी तमाम पत्रकारों ने कहा, वरिष्ठ लोगों ने कहा, कि लोकतंत्र की हत्या के दिन के तौर पर आज के दिन को देखा जाएगा, एक ब्लैक डे के तौर पर आज के दिन को देखा जाएगा। ये बेहद चिंता की बात है, बेहद सोचने की बात है। और खुद
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सामने आना चाहिए और अपील कर रहे हैं, हम अपील करते हैं कि वो सामने आए, इन लोगों पे कार्रवाई करें। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बस्ती साहब से भी ये सवाल है हम पत्रकारों का कि आपकी पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी थी, क्या आपकी पुलिस की कोई अंडरस्टैंडिंग थी, क्या आपकी पुलिस के कोई दोहरे मापदंड है कि वित्त मंत्री की सुरक्षा में पूरा पुलिस का जत्था लगा हुआ है और बगल वाले कोर्ट रूम में हिंसा हो रही है, वकील पत्रकारों को वहां मौजूद छात्रों को मार रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक और दिन जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले दिवस के तौर पर देखा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश भी मेरे साथ है, एएनआई के एडिटर। स्मिता जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्या होना चाहिए इस मामले में जब वकील हिंसक हो गए, पत्रकारों के साथ मारपीट की है? बहुत गलत हुआ, क्योंकि फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है इसको डिफेंड करना चाहिए लॉयर्स, और मुझे समझ में नहीं आता कि लॉयर्स की कम्युनिटी जो है वो दे शुड बी स्टैंडिंग हैंड इन शोल्डर टू शोल्डर विद द मीडिया, और अगर मीडिया पर ही अगर ये हावी हो जाएंगे तो वेयर डज वन गो, वेयर इज द प्रोटेक्शन फॉर द मीडिया, क्योंकि ये सब पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं और एक पिलर को दूसरे पिलर को सपोर्ट करना होता है। सो इट्स अ वेरी ब्लैक डे आई वुड से फॉर द लॉयर्स टू हैव अटैक्ड द मीडिया। बिल्कुल, और हम लोग ये अपील कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी राय भी जानो स्मिता जी, क्या बार एसोसिएशन को इंटरवीन करना चाहिए, इन वकीलों पर प्यूरिटिव एक्शन या इनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए जो लोग दिख रहे हैं फुटेज में? पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई कांट अंडरस्टैंड कि इनसाइड द कोर्ट प्रेमिसेस ऐसे क्यों हुआ, कि यहाँ पर प्रोटेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो आई कांट अंडरस्टैंड पहले तो ये क्यों हुआ। दूसरा, इट इज क्वाइट क्लियर विजुअली कि क्या हो रहा है, तो अगर यू नो द लॉयर्स आर देयर इन द फ्रेम, आपके फ्रेम में सब दिख रहा है कि कौन लॉयर्स हैं, किसने किया, तो लॉयर कम्युनिटी को इमीडिएटली अपने आप ही प्रीएम्प्टिव स्टेप लेना चाहिए, प्रोएक्टिव स्टेप। जी, थैंक यू स्मिता अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। नवजोत, आप सुन रही है, पूरे देश के तमाम वरिष्ठ मूर्धन्य पत्रकार जो हैं सब एक राय में चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो, इन वकीलों को कोई सजा मिले, इस पे जांच हो, क्योंकि अगर न्याय के दरबार में, न्याय की जहाँ पे न्याय मिलता है वहां पे अगर अन्याय होगा, वहां पर अगर ज्यादती होगी, वो भी निष्पक्ष पत्रकारों के साथ जो सिर्फ रिपोर्टिंग करने वहां गए थे, जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे, उनको हिंसा का शिकार बनाया गया बगैर मतलब के, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, तो ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस हद तक समाज के अंदर इस वक्त लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से लोग बाग दूसरों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। और सुमित, इसमें आप बार 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 एसोसिएशन की बात कर रहे थे कि कम से कम कोई तो आए, बात तो करने को कोई तैयार हो, लेकिन मीडिया के सामने अब कोई भी आने को तैयार नहीं, कोई जवाब नहीं देना चाहता है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है, सभी मूक दर्शक बने बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से हमने सुना तमाम अपने सीनियर रिपोर्टर्स को भी, सीनियर एडिटर्स को भी, सबने यही कहा कि आखिर पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, और सही कहा आपने कि पुलिस हमला पूरी तरह से वित्त मंत्री की सुरक्षा के लिए वहां पर लगा हुआ था, उसके बिल्कुल बगल में, अमित लगातार बता रहे कि उसके बिल्कुल बगल में अमित वहां पर पिटते रहे, लेकिन कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था, कोई उन्हें रोकने बचाने के लिए नहीं आया। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं सुबह से बुलेटिन कर रही हूँ, सुबह से अमित वहां पर हमें बता रहे थे कि तनाव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, वकील बहुत ज्यादा उग्र हैं, इसको देखते हुए भी किसी तरह की कोई सुरक्षा बंदोबस्त वहां पर नहीं किए गए। तो पटियाला हाउस कोर्ट में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पत्रकारों को निशाना बनाया गया, और आपने सुना किस तरीके से तमाम पत्रकार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तमाम पत्रकार अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे थे, हमारे संवाददाता अमित पांडे को भी निशाना बनाया गया, बुरी तरह से उन्हें भी पीटा गया, हालांकि वो अभी अस्पताल नहीं गए हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें निशाना बनाया है वकीलों ने, हालांकि ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि काले कोर्ट में क्या वो वाकई वकील थे या फिर कोई असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद थे, अगर थे तो कम से कम पुलिस को वहां पर पत्रकारों की रक्षा करनी चाहिए थी, या इस तरीके से कोई भी, न सिर्फ पत्रकार, कोई भी हो वहां पर अगर हो रहा है तो पुलिस को अपना दायित्व निभाना चाहिए था, कम से कम वहां पर रोकते तो, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक वहां पर बनी रही, किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की।